आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले राज करने वाले डायनासोरों का अंत कैसे हुआ? आखिर कैसे इतने विशालकाय जीव का अंत हो गया? इनके अंत के बाद कैसे इंसानी प्रजाति ने जन्म लिया? यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ एक बड़ी छिपकली होता था, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रहे, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। डायनासोर भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है, और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं। आप लोगों को शायद यह जानकर हैरानी हो कि सभी डायनासोर मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर की प्रजाति शाकाहारी भी हुआ करती थी। आपको शायद यह भी जानकर हैरानी होगी कि सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। डायनासोर काफी विशाल हुआ करता था। शायद अगर यह विलुप्त ना होते तो धरती पर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाता। हालांकि आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा है, और जितने भी तथ्य इस प्रजाति के बारे में दिए गए हैं वे सभी अनुमान और अवशेष के तौर पर दिए गए हैं। जब डायनासोर का युग हुआ करता था, उस समय मानव जाति इस धरती पर अस्तित्व में ही नहीं थे। अगर होते भी तो शायद ही कोई इस विशाल जानवर से बच पाता। एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। लेकिन पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह अपने आप में एक सोचने की बात है। बड़े विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थीं। इनमें से कई शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, और कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। यह उस समय के सबसे सफल जीवों में से एक थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? आइए जानते हैं। इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6.5 करोड़ साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने चिघाने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर की प्रजातियां जब ये आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। दस करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो दूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से
जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत न होता। एक बात जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में सामने आई है कि अगर यह एस्ट्रॉइड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो शायद डायनासोर का अंत न होता। और यह एस्ट्रॉइड अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिर जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय इसका असर जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। डायनासोर तब भी बच सकते थे अगर यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉइड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये ट्रिलियन मैट्रिक टन का यह एस्ट्रॉइड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा था। यह एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियो को पार कर लिया। इसमें चमक इतनी अधिक थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉइड सीखों की खाड़ी के पास जमीन से टकरा जाता है। और लगभग यह 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊंचा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। यह एस्ट्रॉइड मेक्सिको के युकटान प्रायद्वीप से टकराया। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच हुई तो वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्ट्रॉइड के चट्टान से टकराने के बाद यह चट्टान धूल में परिवर्तित हो गई, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया था। इसके परिणाम स्वरूप पूरी धरती ठंडी हो गई और पूरे एक दशक तक इसी स्थिति में यह धरती बनी रही। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी की मृत्यु हो गई। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीन टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 12.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशाल काय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया
अब आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, ये तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गया था, ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में वे धरती पर गिरने लगे, बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया, जिसके कारण धरती पर लगभग सभी पेड़ पौधों की आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वह इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग कुल 90% प्रजाति धरती से खत्म हो गई थी, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उसमें सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि उस महाप्रलय में लाखों की संख्याओं में जीव मारे जा चुके थे, और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो गई थी, जिसके चलते यहां जो बड़े और विशाल काय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया, और वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए इस महाप्रलय से, आखिर पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए अब ये जानते हैं। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहां आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी, और इस वजह से यहां के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यहीं इसी जंगल में रहते थे एब्स, ये पेड़ के ऊपर रहते थे जहां उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहां समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गए। एब्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया, जो थे एडिपेथिकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया था। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा हुआ करता था, और आकार में ये 4 फीट लंबे होते थे। कई हजार सालों के विकास करने के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी, और ये चलते हुए भी खा पी सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे, और इनका दिमाग भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया।
अब शिकार करना भी काफी आसान हो गया था। समय के साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों में सुरक्षा देती थी और उसी वजह से अब परिवार बनना भी शुरू हो गया था। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे। आग में पका मांस चबाने में काफी कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था और अब वह काफी विकसित हो चुके थे। धीरे धीरे विकास होता गया और मानव प्रजाति और ज्यादा विकसित होती गई। तो ये थी कहानी कि आखिर कैसे डायनासोर का अंत हुआ और इंसानी प्रजातियों का जन्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही रोचक और अद्भुत वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।